साथियों, आज का जो टॉपिक है इसके आंकड़े बहुत सारे विद्वत जन यहाँ पे बैठे हैं, बेरोजगार युवा संगठित श्रमिक समस्या और समाधान। इसमें से अ हटा देते तब भी चलता, संगठित असंगठित सब चलेगा, मजदूर मजदूर। बहरहाल आखिर समस्या क्या है, हम आंकड़े पे नहीं जा रहे हैं, आंकड़े बहुत सारे साथी दिन भर में बात करेंगे। मेरे से पहले वक्ता ने सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसकी और निजीकरण की बात की। 90 के बाद कहने में अच्छा लगता है लिबरल इकोनॉमी, लेकिन वो बहुत खतरनाक इकोनॉमी है, वो लिबरल इकोनॉमी नहीं है। और ये पूंजीवाद का खेल ही है कि अपने खतरनाक खेल को भी ऐसे शब्द से पिरोता है, आपके सामने पेश करता है जो आपको अच्छा लगता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई कोई संविधान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, एक संविधान कैसा काम करेगा यह उसके लागू करने वाले लोगों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। एक अच्छा संविधान खराब हो सकता है यदि उसको लागू करने वाले लोग खराब हो, एक खराब संविधान भी अच्छा हो सकता है अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है, तो ये जाति खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं बोलूं कि मैं जाति खत्म कर दूंगा तो हुआ क्या? नहीं, जातियां पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों ने बनाई है, जब तक जाति का लाभ उनको मिलता रहेगा जातियां खत्म नहीं होंगी, और जब जाति का नुकसान उनको होना शुरू होगा तब जाति उन्मूलन आंदोलन वही चलाएंगे, तब जाकर खत्म होगी जातियां। एक गरीब बोले कि मैं गरीबी खत्म कर दूंगा तो खत्म होगी क्या? नहीं, अमीर सोचेगा तब खत्म होगा। तो इस देश को जाति मुक्त करने की जिम्मेदारी जिनकी थी, चाहे पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में बैठे हो, चाहे न्यायपालिका में बैठे हो, उन्होंने बदस्तूर जाति बनाकर रखा। तो संविधान की जो मूल भावना थी 1990 के पहले भी लागू नहीं, ये तथ्य है। बेचारा समझ कर कुछ दिया जाता रहा लोगों को, सरकारी स्कूल चले लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से बड़े लोग के बच्चों से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे, तो हमारे बाप चाचा भी पीछे बैठ के उसमें पढ़ लिए हैं, उनको इज्जत सम्मान से नहीं पढ़ाया गया कभी, आम छात्र। तो कभी लागू ही नहीं हुआ। 90 के बाद जो है ये पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का मिश्रण हो गया, ब्लेंड हो गया। और अभी पिछले 4 साल में जो है वो विशुद्ध ब्लेंड हुआ है, दोनों में एक समानता है, ब्राह्मणवाद में और पूंजीवाद में। वो कहता है कि वो दोनों लेता है, देता कुछ नहीं है, देता सिर्फ आशीर्वाद है जिसमें कुछ होता नहीं। मंदिर में आ जाइए पैसा चढ़ा दे तो आपसे मना नहीं करेगा, लेगा। और पूंजीवाद भी मुनाफा ही कमाता है, वो देता कुछ नहीं, वो देता आपको सर्वाइवल के लायक। तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का ब्लेंड है, बहुत घातक ब्लेंड है। वही नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक जनऊ आरक्षण भी आया है, जनऊ आरक्षण आया है। और तत्परता देखिए, 70 साल से जो आरक्षण था SC ST का, या पिछले 2.5 दशक से जो OBC का आरक्षण है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे, आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जनऊ आरक्षण जो कि विशुद्ध रूप से जाति आरक्षण है, ये वर्ग का आरक्षण नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा वर्ग का आरक्षण है, ये विशुद्ध रूप से सवर्ण जाति के लिए लाया गया। पहली बार भारत में जाति के नाम पे यही आरक्षण आया है। उसके पहले क्या था, SC ST का था, सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे था, अनटचेबिलिटी के बेसिस पे था। ओबीसी का रिजर्वेशन किस बेसिस पे था? सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग,
जिसमें कि ब्राह्मण भी है, जिसमें क्षत्रिय भी है, उस ओबीसी के रिजर्वेशन में मुस्लिम भी है, लेकिन यह रिजर्वेशन आया है विशुद्ध रूप से जाति का जन्म आरक्षण है, और इसको कहते हैं जन्म लीला, जिसको सारे 11 घंटे में हमारे एससी एसटी ओबीसी सांसद ने मेज थपथपा के पास कर दिया। उनको समझ ही में नहीं आया कि वो कह रहा है। मैं लगातार इसमें बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं, कल हरिद्वार में बोल, ये काश कभी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण पूरा हो, बेरोजगार युवा को रोजगार मिले, असंगठित मजदूर को संगठित किया जाए, इसके लिए भी तो मेज थपथपा लेते हैं। तो नहीं, तनखैया लोग, तनखा पाने वाले लोग। तो ये ब्लेड जो है, तीसरा आपको ऊपर, ये आरक्षण नहीं है, आप समझिए, ये संविधान के ऊपर सीधा और सीधा हमला है। आज आपने आरक्षण के ऊपर आपने उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कल हम तो बोलोगे हिंदू राष्ट्र भी बनाओ, तब भी हमारे सांसद एससी एसटी ओबीसी में जी थपथपाएंगे। ये है, ये संकेत, ये घातक संकेत है जो हमको समझना हो। जेएनयू में मैं बोल रहा था 2 दिन पहले, एक छात्र ने पूछा कि क्या इस 10% में एससी एसटी ओबीसी को भी अगर शामिल कर दिया जाए तब भी आप इसका विरोध करेंगे? हम निश्चित तौर से करेंगे, कि निश्चित तौर से करेंगे, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अगर आरक्षण को खत्म कर दे, आप बोले कि सिर्फ ब्राह्मण को ही सारी नौकरी मिल जाए, तब भी क्या पूरे ब्राह्मण को देश में नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए रिप्रेजेंटेशन है, गरीबी उन्मूलन के सैकड़ों कार्यक्रम चल रहे हैं, आप 1000 कार्यक्रम और चलाइए। तो ये हमारे नेता तनखैया नेता बात नहीं समझते। अभी देखिए कैसे पूंजीवाद ब्राह्मणवाद तो मिला ही है, और उसमें 10% जनऊ आरक्षण आ गया है। और खेल देखिए हमारे मीडिया का, सुबह सुबह 25 चैनल आप खोलेंगे तो सब में बाबा लोग ना पेट पिचकाने का जो है वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। पेट पर सांस ले लो, पेट पिचका। अरे हमारे तो ऐसी सदियों से पिचके हुए हैं, फूले हुए तो तुम्हारे। बाबा लोग बोलेगा अंदर देखो, आंख बंद की कोशिश की, अंदर में कुछ दिखाई नहीं, बोले अंदर देखो। हमारे लोग सुनते रहते हैं, भजन कीर्तन में भी जाते हैं, अंदर देखो। वो बार बार इसका मतलब उसे कहने का कि बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, कि बाहर जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको मत देखिए। ये घटना नहीं, संकेत है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तमाम हो, कुछ हो, जब गृह प्रवेश करते हैं तो किसको बुलाते हैं? बाबा जी को बुलाते हैं। अमेरिका से पढ़ के यहां साहब कलेक्टर हैं, साहब एसपी हैं, इंजीनियर हैं, तो बाबा जी क्या करते हैं? गोबर का गणेश बनाते हैं, बोलते हैं जजमान इसमें 1 रुपए डालिए। तो जैसे ही वो थर्मामीटर है, उसका दुनिया का सबसे प्रमाणित थर्मामीटर है वो, जैसे ही आप 1 रुपया डालते हैं, वो सातवीं पास पंडित जी समझ लेता है कि कलेक्टर भले ही बन गया, इसके दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है। इस खेल को समझना, इस छोटी छोटी बारीकियां होती है जो आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके पूरे सिस्टम को कहां कहां घर घर में घुस गया है। आप जय भीम भी बोलेंगे, जय गणपति बाबा भी बोलेंगे, दोनों चलेगा नहीं? शिक्षित कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर बोलते, शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है, घर घर में तो अपने शत्रु को आप पहुंचा दिए। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये कह रहा हूं साथियों, कि जो आज का विषय रखा गया है, मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा, मैं विषय है बेरोजगार युवा और मजदूर। सबसे पहली बात हमको यह समझना है कि युवा जो है होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, एक समरूप वर्ग नहीं है, उसकी मल्टी आइडेंटिटी होती है, जाति वर्ग क्षेत्र तमाम चीजों में फंसा हुआ बटा हुआ है। आपके बच्चे भी तो युवा हैं जो एससी एसटी ओबीसी, तो उनको क्यों नहीं रोस्टर लगा के नौकरी दे रहा है सरकार? युवा का मतलब क्या? वैसे है जैसे राष्ट्र, जब सुनो
राष्ट्र भारत माता की जय, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र लोगों से बनता है, खाली बाउंड्री नहीं है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रवादी जो चिल्लाता है ना, उसी तरह से है जैसे गांव में जब चोर भागता है और पीछे से चोर चोर कहते जब दौड़ाता है उसको पब्लिक, तो वो भी चोर चोर कहते भागता रहता है कि कोई उसको चोर न समझे। उसी तरह जितना ही राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहा है उसको राष्ट्र की परिभाषा भी नहीं पता। तो युवा एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। उसी तरह मजदूर भी एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, उसकी जाति है, धर्म है। चलते देखिए ट्रेड यूनियन में, चलिए मजदूरों के दिखाते हैं कैसे कास्ट के हिसाब से हायरार्की बनती है। और विडंबना देखिए कि मजदूरों की सबसे बड़ी जो विरोधी पार्टी है, सबसे बड़ा मजदूर संगठन उसी का है, यह विडंबना है। नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि जो मजदूरों की सबसे विरोधी पार्टी है उसी के पास सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। किसी और दिन आऊंगा तो श्रमिक वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, उसमें मैं एक घंटा बात करूंगा। आज समय कम है, बस 3 मिनट और दूंगा। ये क्यों ऐसा होता है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मजदूर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को रूसो और कार्ल मार्क्स पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। राजा और रानी का कल्पित स्टोरी ज्यादा पढ़ता है, उसको मजा आता है। इसीलिए देखिए एकदम कौन पुराण महाभारत रामायण टीवी खोल के आप देखते रहते हो तो सिस्टम जानबूझ के दिखा रहा है। जो आपकी मुक्ति कर सकता है वो लिटरेचर नहीं। तो ये समस्या देखने में सामाजिक और आर्थिक समस्या लगे, लेकिन ये है पॉलिटिकल क्वेश्चन है। वो संसद में तय होता है कि स्टेट कंट्रोल कितना रहेगा, कितना हम उसको फ्री करेंगे। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसका निपटारा भी पॉलिटिकल तरीके से होगा। विडंबना हम लोग की है कि क्रांति हम ही करेंगे, हमारे ही पीछे आओ। लाखों संगठन बने हुए देश भर में और हम तमाम जगह बहुत जगह जहां तक संभव होता है जाते हैं। हम लोगों ने फुटबॉल मैच की तरह पास देके खेलना सीखा ही नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जनरेशन तो छोड़ लीजिए, मेरे जनरेशन में भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? यह समस्या का समाधान खाली एमएलए एमपी नहीं कर सकते। इसको समाधान करने के लिए आपके समाज से सैकड़ों इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडर चाहिए। क्या हमने लॉयर्स प्रोड्यूस किए हैं? बाबा साहब वो मल्टी लिंगुअल मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर, कई भाषाओं के जानकार, कई विधा के जानकार। हम क्या कर रहे हैं? हमारा बेटा जो है कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, इजी रास्ता तलाश है। ये लड़ाई एक्यूट होगी हमारे अगले वाले जनरेशन में, आगे वाले जनरेशन। तो हमें क्या करना है? अभी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। आपने हमने हिस्टोरियन प्रोड्यूस किए, सोशियोलॉजिस्ट प्रोड्यूस किए, पॉलिटिकल साइंस प्रोड्यूस किए, पत्रकार प्रोड्यूस किए। एक इधर शंभु है, एक इधर सुरेंद्र जी इधर बैठे हुए हैं, एक उधर मनोज जी होंगे। तो इसका तो 22 लाख हो गया सब्सक्रिप्शन। हमको कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे लोग चाहिए ना। तो हम लोग तो खाते पीते लोग हैं, चलिए मिडिल क्लास लोग हैं। हम चाहते हैं कि सब आसानी से सब कुछ हो जाएगा। आई एम सॉरी, परिवर्तन होता नहीं है, लाना पड़ता है। और परिवर्तन जो है इसके लाने के लिए स्टेट्समैन की जरूरत होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया, कांशीराम जी, देखिए हमारे जनरेशन पूरा वैक्यूम है, कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। और मुझे सिर्फ एमएलए एमपी से मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए अपने अपने घर से जाके हम लोग जो बैठे हैं इस समस्या को घर में भी चर्चा कीजिए, और अपने अपने घर से अपने बच्चों को पहले भेजिए ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। कितने लोग भेजते हैं कि हमारा बेटा लॉ पढ़ने जाएगा कैम्ब्रिज? वो एक आदमी पढ़ के आएगा जैसे डॉक्टर अंबेडकर पढ़ के आए थे अमेरिका से और इंग्लैंड से, कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा,
तो शिक्षा का मतलब आईएएस का एग्जाम पास करना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब खाली प्रोफेसर बनना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान का विस्तार, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो शेरनी का दूध अंबेडकर साहब को वहां मिला था अमेरिका इंग्लैंड में, इधर तो स्कूल में नहीं बैठने देता ठीक से, तो इधर का दूध तो मिलावटी। तो हम लोग जो लोग सक्षम हो गए हैं ये मान के चलना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है एंड वी हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स, इंटेलेक्चुअल लीडर्स, खाली तनखैया टीएडीए वाला नहीं, हिस्टोरियन बनाइए अपने बच्चों को, साहित्यकार बनाइए। अरुंधति राय हम लोगों ने प्रोड्यूस किया नहीं किया। मेरे दो बच्चे हैं और जो मुझे जानते हैं मैंने कहा कोई नौकरी नहीं कर रहा है, भाषा सीखो सिर्फ, और जाना इंग्लैंड पढ़ने का काबिल हो जाओ तो इंग्लैंड अमेरिका भेज देंगे, नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तरफ से नौकरी करने का बंदिश नहीं है। 25 वर्ष में कहते हैं लाइफ सेट हो गई, तो सेट हो गई क्या, बजरी रोड़ी सेट होता है सीमेंट, मर गए 25 साल में दफनाया जाओगे 70 साल में। तो ये समस्या इतना बिकॉज हम लोग एज ए एक्टिविस्ट एज ए रिसर्चर देख रहे हैं कि बहुत गंभीर समस्या है और ये सरकारें सबको बेच देंगी और आपको पुनः से मनुस्मृति के युग में ले जाने की तैयारी है। तो ये लड़ाई आपको जो लड़ेंगे इंटेलेक्चुअल्स लड़ेंगे, हमें अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर नहीं तैयार कर पाए बॉस, आई एम सॉरी टू से, जब पूरे शहर में बम गिर रहे हो ना तो आप अपना घर कितना भी बुलेट प्रूफ बना लेना आप भी नहीं बचेंगे। जब कीचड़ की बारिश हो रही है ना तो कितना भी ड्राई क्लीन किया हुआ सूट होगा गंदे आप भी होंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। थैंक यू साथियों, शुक्रिया, जय हिंद।